हेलो गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले हमारे नए चैप्टर के रिवीजन के बारे में, जिसका नाम है एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। तो शुरू करते हैं एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। बच्चे बोल रहे सर फिनोल तो लिखा ही नहीं है। बेटा फिनोल भी आने वाला है। एल्कोहल फिनोल ईथर में हम दो लेक्चर लेंगे। पहला लेक्चर आज होने वाला है, सेकेंड लेक्चर कल आ जाएगा। कल जो है हम फिनोल की भी कुछ अच्छे रिएक्शंस और उसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो हमने जैसा आइसोमेरिज्म, जैसा आईयूपीएसी, जैसा जीओसी, हाइड्रोकार्बन, सभी में दो दो लेक्चर देके उसे अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा इंप्रूव किया है, वैसा ही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले एनटीए के मॉक टेस्ट में पूछे गए वो वाले क्वेश्चंस उठाए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं, और कुछ हमारे जो टेस्ट जो हमारी प्रैक्टिस बुक्स होती है वहां से भी कुछ मैंने अच्छे क्वेश्चंस उठाए हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि एनटीए ने मॉक टेस्ट में पूछा था। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। सर हमें दिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। टर्शियरी ब्यूटोक्साइड दिया हुआ है, जो कि हमारा क्या है, बल्की बेस है, और जिसे मैं अदनान सामी बोलता हूं। बहुत बल्की होता है, अदनान सामी है ये। और सर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्लियर चीज। अब साथ में लिया है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये तो सॉल्वेंट का काम करता है। चलो समझते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है सर ये RCl दिया, मतलब अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। बता दो जल्दी से, लिविंग ग्रुप है ये टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, क्या करता है, क्या ये सब्स्टिट्यूशन देता है? नहीं सर, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, ये नेगेटिव वाला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूट्रल होता तो जरूर मैं उसे बोलता कि हाँ वो सब्स्टिट्यूशन देगा, लेकिन ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है जिसके ऊपर नेगेटिव, सर ये तो एलिमिनेशन देता है, और उसमें भी ये वहां से हाइड्रोजन लेके भागता है जहां की हाइड्रोजन लेस हिंडर्ड हो। क्लियर चीज, क्या बोलेंगे सर, वहां से हाइड्रोजन लेके भागता है बीटा पोजीशन से, जहां की हाइड्रोजन लेस हिंडर्ड हो। तो समझो यहां से हम बात करेंगे सर, अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा, और ये हो जाएगा बीटा डैश। जल्दी से दोनों में से कौन से हाइड्रोजन लेस हिंडर्ड है? सर दोनों ही पोजिशन पे, यहां वाली पोजिशन पे जो कार्बन है और यहां वाली पोजीशन पे जो कार्बन है, सर दोनों में कोई हिंड्रेंस नहीं है, सेम हिंड्रेंस आ रही है। अच्छा भैया हिंड्रेंस तो सेम है, तो फिर क्या करता है, तो ये वहां से हाइड्रोजन लेके भागता है जहां से बनने वाली एल्किन ज्यादा स्टेबल बने। वहां से लेके जाएगा जहां से बनने वाली एल्किन ज्यादा स्टेबल बने। तो क्या होगा सर, जब ये यहां की, जब ये बीटा हाइड्रोजन यहां की लेके भागेगा, यहां की हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो ये सीएल रिलीज हुआ, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड जो है दूसरे डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब टर्शियरी ब्यूटोक्साइड यहां की हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा और वहां पर लिविंग ग्रुप रिलीज होकर डबल बॉन्ड आ जाएगा। हमारे पास हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पर। क्लियर चीज, यहां पर डबल बॉन्ड पहले से दिया हुआ था और यहां की हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप हटा तो यहां पर डबल बॉन्ड आ चुका है, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो है कहां पर दिया हुआ है, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? नहीं सर, गलत बात, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वो बल्की बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, नेगेटिव वाला है। न्यूट्रल वाला होता तो मैं उसके सब्स्टिट्यूशन की बात करता। चलो अब बी वाला देखते हैं। सर बी में तो फिनोल बना दिया, तो देखो भैया हमारे पास एक कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म को अगर मैंने इनोल में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होता है सर, कीटो वाला जो है वो बाजू वाले की हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन तो जाती है यहां पर और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जाता है यहां पर, और इस तरीके से कीटो से फटाक से हमारे पास बन जाता है इनोल, और इनोल में बना देता हूं इस तरीके से, यहां पर डबल बॉन्ड ये एज इट इज और यहां पर डबल बॉन्ड। और आपको याद भी होगा, आपको बहुत अच्छे से आइसोमेरिज्म में याद होगा सर, ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल है। कीटो जो है नॉन एरोमेटिक है, इनोल जो है सर एरोमेटिक है, तो इनोल परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये जो कंपाउंड है फटाक से कीटो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोल में। मतलब हमारा आंसर देख लो कहां पर बी दिया हुआ है, लगा देते हैं बी को। क्या सी आंसर रहेगा? नहीं सर, गलत बात, यहां पर तो इसने कुछ भी कर दिया, न्यूक्लियोफाइल को डबल बॉन्ड के ऊपर जुड़वा दिया। भैया इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है डबल बॉन्ड के ऊपर, डबल बॉन्ड खुद एक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्लियर चीज, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। ये भी एनटीए का उठाया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। वन मोल ऑफ नाइट्रो केटेकोल, वन मोल ऑफ फोर नाइट्रो केटेकोल। चलो पहले डायग्राम बना देते हैं। फोर नाइट्रो केटेकोल क्या होता है सर, ये हो जाता है हमारे पास फोर, जो समझो केटेकोल होता है सर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लियर चीज। और अगर मैं इसके हिसाब से नंबरिंग करूं, वन टू थ्री ये फोर, तो सर फोर पे जुड़ा हुआ है NO2,
फोर पे क्या जोड़ रखा हमने, एनओ टू, ठीक है भैया, फोर नाइट्रो कैटेगोल हो गया हमारे पास ये, मतलब फोर नाइट्रो वन कोमा टू डाई हाइड्रोक्सी बेंजिन भी बोल सकते हैं, चलेगा ये प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम में इसे बोल सकता हूं, वन कोमा टू डाई हाइड्रोक्सी नाइट्रो फोर नाइट्रो बेंजिन, क्लियर चीज। ऑन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ एनएएच फॉलोज फॉलोड बाई वन मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड वाटर रेस्पेक्टिवली गिव्स। चलो समझते, सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो रिएक्शन है उन्होंने करवा दी है एनएएच के साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ। सर मेटल के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है ना वो एच नेगेटिव के रूप में होती है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा सर, ये फटाक से जाएगा और एसिडिक हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा। तो सर ये एच नेगेटिव उसकी भी हाइड्रोजन लेके भागेगा और इसकी भी हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, क्लियर चीज। तो दोनों के दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पर हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से एनओ टू, यहां पर आ जाएगा हमारे पास ओ नेगेटिव और यहां पर भी आ जाएगा हमारे पास ओ के ऊपर नेगेटिव, क्लियर चीज। अच्छा ये बेस है तो ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन कब होती है सर, एसिड बेस रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पर बनने वाला वीक बने, क्लियर चीज। तो आपको याद होना चाहिए ये हमारे पास फिनोल है और यहां से ये एच पॉजिटिव रिलीज होने के बाद क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन बनने वाला है, हाइड्रोजन बनने वाला है सर। हाइड्रोजन जो है वीक एसिड होता है और फिनोल जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये वाली रिएक्शन होना पॉसिबल हो जा रहा है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मैंने जीओसी में बता दिया था, कौन कौन से एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर सकते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। चलो यहां तो हाइड्राइड दिया हुआ है, हाइड्राइड तो सभी के साथ रिएक्शन करता है, एल्कोहल हो कुछ भी हो, क्योंकि बनने वाली H2 है जो कि वीक एसिड होता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ये हमारे पास बन गया बेस। अब क्या हो रहा है सर, इसमें हमने डाल दिया वन मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड हमने सर वन इक्विवेलेंट ही इसका लिया हुआ है, वन इक्विवेलेंट बोलो चाहे वन मोल बोलो, बात एक ही यहां पर, बाई वन मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड, हमने मिथाइल आयोडाइड का वन मोल लिया हुआ है फॉलोड बाई वाटर रेस्पेक्टिवली। तो क्या बनेगा सोचो जल्दी से सर, अगर मैं यहां पर बात करता हूं मिथाइल आयोडाइड के ऊपर कौन अटैक करेगा, ये मैंने वन मोल लिया हुआ है, वन इक्विवेलेंट लिया हुआ है, तो सर इन दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही अटैक कर देगा। तो सोचो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये नेगेटिव ज्यादा रिएक्टिव है कि ये नेगेटिव, सर ये एनओ टू भाई साहब जो है ना लफड़ कर दे रहा है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पर देना चाहता है लेकिन एनओ टू जो है ये एनओ टू माइनस एम इफेक्ट दे रहा है सर, और ये एनओ टू उसके लिए माइनस एम दे रहा है लेकिन इस वाले के लिए माइनस आई दे रहा है क्योंकि मेटा पोजिशन पे जुड़ा हुआ है। तो क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव की जो अवेलेबिलिटी है यहां पर वो डिक्रीज कर दे रहा है क्योंकि रेजोनेंस करके इसके लोन पर तो रिंग में रेजोनेंस करवा दे रहा है, क्लियर चीज। इसके माइनस एम की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो रही है, मतलब मैं बोलू ऐसा बोल सकते हैं कि ये NO2 माइनस एम देकर उसके नेगेटिव चार्ज को ज्यादा से ज्यादा रिंग में डीलोकलाइज करवा दे रहा है लेकिन इसका माइनस आई यहां पर लगेगा। तो नेगेटिव इन दोनों में से नेगेटिव किसके पास ज्यादा अवेलेबल रहेगा सर, इसका नेगेटिव इसके पास ज्यादा अवेलेबल रहेगा, मतलब ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो ये ही जाके फर्दर अटैक करेगा और ये जैसे अटैक करेगा यहां से आयोडीन रिलीज हो जाएगी, क्लियर अच्छे से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं वैसे तो। चलो बात करते हैं NO2 और यहां पर हम बात करेंगे ये हो जाएगा OCH3 और यहां आ जाएगा O के ऊपर नेगेटिव, और अगर हमने पानी डाला हुआ है तो सर पानी से वो नेगेटिव जो है वापस से पानी से वो क्या ले लेगा, H+ ले लेगा और पानी से H+ लेने के बाद बना देगा OH, ये बन जाएगा फिनोल और ये हो जाएगा NO2 और हो जाएगा हमारे पास यहां पर OCH3, क्लियर अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। चलो देख लो, अब उन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा है ना, उन्होंने बोला है कि बताओ कौन सा आंसर है, तो 4 नाइट्रो 1.2 डाइमिथॉक्सी, नहीं 1.2 डाइमिथॉक्सी नहीं है सर, यहां पर तो फिनोल बन रहा है, ये तो एक तो फिनोल है दूसरा मिथॉक्सी है ना ओल, तो नहीं है पहला आंसर नहीं है। 4 नाइट्रो 5 मिथाइल 1.2 डाइमिथॉक्सी, गलत बात, डाइमिथॉक्सी होना ही नहीं है, 2 मिथॉक्सी 5 नाइट्रो फिनोल, अच्छा 2 मिथॉक्सी 5 नाइट्रो फिनोल, देखते हैं सर नंबरिंग करते हैं फिनोल से नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सर 4 पे नाइट्रो है 2 पे मिथॉक्सी और फिनोल है तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ, डी आंसर आ जाएगा सर, 2 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो फिनोल हमारा आंसर आ जाएगा,
तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। वही अच्छा न्यूक्लियो फाइल है जिसका लोन पर देने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी हो। तो सर इसका लोन पर तो रिंग में ज्यादा डीलोकलाइज हो पा रहा है, इसकी अवेलेबिलिटी यहां पर डिक्रीज हो चुकी है, तो ये जो लोन पर है ये अपना लोन पर इजीली इसे दे पाएगा, क्योंकि नैनो टू यहां पर इसके रेस्पेक्ट में मेटा पर जुड़ा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम नहीं लगा पाएगा। क्लियर अच्छे से, आगे बढ़ेंगे। आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इथर के ऊपर बेस्ड है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इथर्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन्स इथर सिंथेसिस, बताओ जल्दी से। इसमें हम क्या बात करते हैं सर, SN2 टाइप की मैकेनिज्म होती है, SN2 टाइप की मैकेनिज्म होती है। तो अगर आपने 3 डिग्री कुछ लिया हुआ है या फिनाइल की कुछ रिंग ले रखी है तो फिर वहां पर सब्स्टिट्यूशन होना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चलो समझेंगे कौन कौन सा इथर। तो पहला वाला बात करते हैं सर, पहला वाला इथर तो ये है, ये तो सर बन जाएगा आराम से। क्लियर चीज, ये वाला इथर बनाना इजिली पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करते हैं C6H5OCH3, आराम से सर बन जाएगा। ये हमारे पास OCH3 यहां पर है। क्लियर चीज, कैसे बना सकते हैं इसे सर? इसे हम बना सकते हैं, फिनोल के ऊपर मैंने ले लिया नेगेटिव चार्ज, ये मैंने ले लिया सोडियम फिनोक्साइड, है ना, फिनोक्साइड आयन ले लिया, साथ में मिथाइल आयोडाइड अगर मैंने ले लिया तो सर ये SN2 मैकेनिज्म करेगा और इस आयोडीन को हटा के हमारे पास इथर बना देगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं C6H5, ये हो जाएगा हमारे पास C6H5O C6H5। क्या बताओ ये क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाएगा? सर कतई नहीं दे पाएगा। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे इथर ऐसा लेना पड़ेगा, मुझे फिनोक्साइड आयन लेना पड़ेगा, साथ के साथ में एक मुझे रिंग के ऊपर आयोडाइड लेना पड़ेगा, तब जाके ऐसा बना सकते हैं। लेकिन क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाएगा? सर नहीं दे पाएगा। तो ये हमारा एक आंसर हो गया जो कि हम बना नहीं सकते। किसके द्वारा? विलियमसन इथर सिंथेसिस के द्वारा। इसमें SN2 टाइप की मैकेनिज्म होती है। एक तो हमारा आंसर हो गया ये। क्लियर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं सर, COCH3 दोनों इथर में, समझ लो अगर इथर में दोनों में से जो लेफ्ट और राइट वाले में से कोई भी एक 1 डिग्री 2 डिग्री हो ना, आराम से बन जाएगा, दिक्कत ही नहीं आएगी। ये लेफ्ट वाला तो 3 डिग्री है भाई, लेफ्ट वाला तो 3 डिग्री है, लेकिन राइट वाला सर जो है वो 1 डिग्री है। अगर विलियमसन इथर सिंथेसिस की बात करें तो सर इसका तो हम जो है O नेगेटिव बना देंगे और इसका जो है हम आयोडाइड ले लेंगे, मिथाइल आयोडाइड ले लेंगे, तो ये वाला इथर बनना पॉसिबल हो जाएगा। कैसे बनेगा समझो, अगर मैंने 3 डिग्री ये मैंने ले लिया O नेगेटिव और इसका मैंने आयोडाइड ले लिया मिथाइल आयोडाइड, तो ये यहां से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, आयोडीन हटा देगा और इथर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 डिग्री होता तो भी बना देते, लेकिन 3 डिग्री हो जाएगा तो नहीं बन पाएगा। दोनों तरफ 3 डिग्री हो गई, दोनों तरफ बेंजीन की रिंग हो गई, वहां पर विलियमसन इथर सिंथेसिस नहीं लग पाएगा। क्लियर अच्छे से, तो हमारा ये आंसर भी नहीं है। आगे बात करते हैं सर, ये है C2H5 का होल ट्वाइज OCH3। ये क्या दिया हुआ भैया? अच्छा ये यहां पर क्रोमा है ना, थोड़ा सा क्रोमा देखना पड़ेगा। ये C2H5 का होल ट्वाइज O दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है O, इधर भी C2H5 और इधर भी C2H5। सर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका तो मैंने फिनोक्साइड आयन बना लेना है और इसका साथ मैंने आयोडाइड जोड़ देना है, C2H5I जोड़ देना है, तो वो फटाक से इसके प्रोटेक्ट करके ये वाला इथर बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो लास्ट वाला दिया हुआ है, देखो लास्ट वाला क्या दिया हुआ है सर, लास्ट वाला दिया हुआ है हमारे पास ऑक्सीजन सी, ये भी 3 डिग्री है CH3, और ये वाला जो कार्बन है ये वाला भी 3 डिग्री है। तो क्या होगा सर, ये जब हम बात करते हैं क्या दोनों तरफ 3 डिग्री वाले कार्बन है? हाँ सर। तो अगर आपने इसका फिनोक्साइड आयन बना दिया, जैसे समझो इसका आपने एल्कोक्साइड आयन बना दिया O के ऊपर नेगेटिव, और इसका आपने इथाइल आयोडाइड, ये इसका आपने आयोडाइड बना दिया अल्काइल हैलाइड, क्या यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा? सर नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो जाएगा ये हिंड्रेंस देखने की वजह से आयोडीन को हटा नहीं पाएगा, एल्कीन बनवा देगा, ये फटाक से उसकी हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड बनके ये आयोडीन यहां से रिलीज हो जाएगा। तो 3 डिग्री वाले में अगर इथर के दोनों तरफ 3 डिग्री है, हम उसे विलियमसन इथर सिंथेसिस के द्वारा बना नहीं सकते, और अगर दोनों तरफ फिनाइल की रिंग हो तो भी नहीं बना सकते। क्लियर अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये भी। तो दो जो है, दो इथर ऐसे हैं सर जो हम बना नहीं सकते बाय विलियमसन इथर सिंथेसिस, और ऐसा इंटीजर में क्वेश्चन कभी भी आपको दिख सकता है। चलो आगे बढ़ेंगे।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए C9H10O व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HI विद कंसंट्रेटेड HI अंडरगोज क्लीवेज टू यील्ड. थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं इसे. हाँ, अब शायद आपको विजिबल हो रहा होगा. विद कंसंट्रेटेड HI अंडरगोज क्लीवेज टू यील्ड कंपाउंड B एंड C. ठीक है भैया, एक कंपाउंड है जिसका HI के साथ रिएक्शन करवा दी तो B और C दो बन रहे हैं. चलेगा, देखते हैं. B जो है वो येलो पीपीटी देता है AgNO3 के साथ में. चलो ठीक है भैया, वो भी देख लेंगे क्योंकि AgI की पीपीटी बननी चाहिए. सिल्वर जो है हम AgNO3 जैसे डालेंगे वो आयोडाइड लेके भाग जाएगा. AgI का येलो पीपीटी बनना चाहिए. वेर इज सी टोटोमराइजेस टू डी और डी जो है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है. हमें बताना है ए कौन सा कंपाउंड इन चारों में. ऐसे क्वेश्चन को हमें ऑप्शन देख देख के ही करना पड़ता है, और कोई इसका और कोई तरीका नहीं है. क्लियर चीज, हमें ऑप्शन देख के ही करना पड़ेगा. चलो बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं HI के साथ रिएक्शन करना है, है ना. HI के साथ में अगर मैं बात करूं, सर अगर ये H+ आया, ये H+ आया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां पर आयोडीन आ जाएगा. समझ में आता है ये तो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं हो पाएगा फिनोल की रिंग के साथ वाला, क्योंकि वहां पर पार्शियल पाई बॉन्ड कनेक्टर होता है. ये वाला बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा. जब भी फिनोल दिया हुआ है ऑक्सीजन के बाजू में और HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो डेफिनेटली फिनोल बनेगा और राइट वाले की तरफ जो है आयोडीन चिपकेगा. चलो ये बन गया. यहां पर हमने बोला ये भी ब्रेक हुआ, यहां पर पॉजिटिव. अच्छा सुनो, H+ आएगा यहां पर और ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज, है ना. अब आयोडीन जब आएगा तो SN1 SN2 दोनों मैकेनिज्म फॉलो हो सकती है. हम ये देखते हैं सर ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, ये बनने वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बने. तो मुझे बताओ ये इधर से ब्रेक होगा कि इधर से ब्रेक होगा. नहीं सर, इधर से ही ब्रेक होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव जाएगा इस कार्बन के पास. अगर इधर से ब्रेक किया तो पॉजिटिव जाएगा डबल बॉन्ड के पास जो कि अनस्टेबल हो रहा है. तो ये राइट वाला जो है वो ब्रेक नहीं होगा, इधर से ब्रेक होगा. हमारे पास बन जाएगा यहां पर आयोडीन. कोई दिक्कत है इसमें? ये बन जाएगा आयोडीन और ये इधर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH और ये हो जाएगा CH ये रिंग के साथ में CH2 आयोडीन. कोई दिक्कत इसमें? क्लियर चीज. अच्छा यहां पर बात करेंगे एच पॉजिटिव बनेगा तो इधर से ब्रेक किया. नहीं सर, ब्रेक नहीं हो पाएगा. इधर से ब्रेक करेंगे, ब्रेक नहीं हो पाएगा. सर ये HI के साथ रिएक्शन देना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो बी वाला जो है वो तो गलत हो गया. इसमें बात करते हैं सर यहां पर जब H+ बनाएगा, यहां पर H+ बनेगा तो सर ये वाला तो ब्रेक नहीं हो सकता बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक नहीं हो सकता. तो सर दोनों केस में बी और डी में जो है वो तो बॉन्ड HI के साथ में ब्रेक ही नहीं हो पा रहे हैं. ए और सी में हमें देखना है. तो आगे बढ़ते हैं. आगे हमें दिया हुआ है कि जो बी है ना वो तो येलो पीपीटी देता है. चलो बी जो है येलो पीपीटी देता है तो मान लिया ये अलाइल आयोडाइड है. दो समझो, ए वाला जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है फिनोल और साथ में हमारे पास हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 C और यहां पर आयोडीन. ऐसा तो यहां से अगर AgNO3 डालते हैं तो सर ये आई यहां से रिलीज होके पॉजिटिव बना सकता है यहां पर, सॉरी पॉजिटिव बना सकता है यहां पर. तो यहां पर हम बात करेंगे सर कार्बोनेट एंड रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है, डेफिनेटली बन जाएगा ये आयोडीन, यहां से रिलीज हो सकता है. तो ये हमारा कंपाउंड आ गया बी, है ना. बी जो है वो येलो पीपीटी दे सकता है. हाँ सर, ए वाले का बी वाला जो कंपाउंड है वो पीपीटी दे सकता है. सी टोटोमराइजेस टू गिव डी और डी जो है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है. अच्छा भैया, ये जो है ये कंपाउंड ये टोटोमराइज कर देगा और फिर ये जो है क्या दे देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट. सर गलत बात है, फिनोल तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता ही नहीं है. फिनोल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है सर, ये तो आंसर ही गलत है. ठीक, तो ये वाला आंसर भी गलत हो गया. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो बचा हमारे पास सी. लेकिन सी किस तरीके से आंसर होगा वो भी देख लेते हैं. तो समझो, हमने बात किया ये जो फिनाइल की रिंग है साथ में CH2 आयोडीन है. अगर यहां से मैं इसे दोबारा बना देता हूं, सर यहां पर अगर मैंने फिनाइल की रिंग बना दी, CH2 आयोडीन लगा दिया और अगर मैं इसको बना देता हूं तो ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2. कोई दिक्कत नहीं इसमें. तो अब हमने देखा सर ये आयोडीन अगर यहां से हटा, अगर आयोडीन हटाया तो पॉजिटिव बना रिंग के जस्ट बाजू में बेंजाइलिक पोजीशन पे, मतलब रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, हो जाएगा सर ये आयोडीन यहां से रिलीज हो जाएगा, AgI का पीपीटी मिल जाएगा. मतलब ये हमारा कंपाउंड हो गया बी.
क्लियर चीज। अब ये जो कंपाउंड सी है ये टोटोमराइज कर सकता है, हाँ सर आराम से कर सकता है, इनोल है तो ये कीटो में कन्वर्ट हो सकता है। और कीटो में कन्वर्ट कैसे होगा सर, ये डबल बॉन्ड जाएगा इसके पास और ये हाइड्रोजन आ जाएगा इसके पास, तो यहां पर हम बात करेंगे ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, भाई इनोल है ना तो कीटो बन जाएगा, डबल बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन जाएगी अल्फा वाले कार्बन के पास, हमारे पास बन गया CH3CHO। और जल्दी से बताओ CH3CHO क्या मिथाइल कीटोन है या मिथाइल कीटोन ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो ये जो है हमारे पास रिएक्शन देगा, ये सर पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब आंसर आ जाएगा सी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था एक्सप्लेन करने के लिए, अगर एक बार आपको समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली पॉसिबल, बहुत इजीली आपसे बन जाएंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपल यहां पर हमने देखा HI के साथ रिएक्शन कौन कौन कर सकता है, साथ में AgNO3 के साथ कौन कौन रिएक्शन कर सकता है, उसके बाद हमने बात की आइडोफॉर्म टेस्ट कौन दे सकता है, सर आइडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड्स देंगे जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, CH3 से डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए तभी जाके वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और उसमें क्या होता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर, ये जो CH वाला जो CH3 वाला ग्रुप होता है ये CHI3 आइडोफॉर्म बना देता है, अगर CHBr3 बनाता तो ब्रोमोफॉर्म बोल देते, CHCl3 बना देता तो क्लोरोफॉर्म बोल देते। क्लियर चीज, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अब हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, वैसे जेई मेंस ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो पोस्ट करो या खुद जल्दी से ट्राई करके देखो क्या आपका आंसर आता है, चलो देखते हैं, जल्दी से ट्राई करो क्या आपसे ये बन पा रहा है, आई होप मैक्सिमम बच्चों से शायद ये बन गया होगा, आंसर भी उन्होंने टिक कर दिया होगा, नहीं तो अपन समझते हैं, ध्यान दो सर H2SO4 दिया हुआ है, अच्छा भैया H2SO4 दिया हुआ है, विजिबली नहीं था आधे बच्चों को तो शायद ये ना H2SO4 दिया हुआ था, H2SO4 क्या करता है सर, ये हमारे पास कंसेंट्रेटेड H2SO4 देना चाहिए इसे, मैं यहां पर लेके चल रहा हूं हीटिंग के साथ, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स में देखो एल्किन बना रखा है उसने, एल्किन बना रखा है मतलब समझ में आ जाएगा सर, ये H2SO4 जो है कंसेंट्रेटेड वाला है, डिहाइड्रेशन करवाएगा, हमारे पास समझ में आता है सर H+ देगा, ये H2SO4 हमें H+ देगा और H+ यहां पर जाके वाटर रिलीज करवा देगा, वाटर रिलीज होके यहां पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर चीज, पॉजिटिव बनेगा, क्या वो पॉजिटिव मोर स्टेबल है, हाँ सर वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, क्यों, क्योंकि वो 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन है तो मोस्ट स्टेबल है सर, ये जो मैकेनिज्म होती है ना ईवन टाइप की होती है, एलिमिनेशन होती है बट ईवन मैकेनिज्म के थ्रू वहां पर कार्बोकेटायन बनता है और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाता है, ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग वो मोस्ट स्टेबिलिटी वाले कंडीशन में जाएगा सर, ये कार्बोकेटायन यहां पर मोस्ट स्टेबल है तो कहीं पर जाना पसंद नहीं करेगा, यहीं पर रहेगा, तो हम बोलेंगे सर ये जो CH2 CH3 और साथ में ये हमारे पास कार्बोकेटायन बना हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर पॉजिटिव, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, कहीं पर रीअरेंजमेंट नहीं करेगा क्योंकि वो 3 डिग्री है। अब इसके बाद अगर मैंने बात किया तो क्या होता है सर, H+ रिलीज होता है, अब H+ रिलीज होने के लिए 3 कंडीशन है, यहां से भी और यहां से भी, तो वहां से रिलीज होगा जहां से बनने वाली एल्किन ज्यादा स्टेबल बने, बता दो जल्दी से सर, अगर ये यहां से रिलीज हुआ ना तो वो कॉन्जुगेशन में जाएगी तो वहां से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब मैं बोलूंगा यहां की H+ रिलीज होगी, यहां पर डबल बॉन्ड आने वाला है, यहां पर डबल बॉन्ड आने वाला है, तो जल्दी से देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या जहां पर CH2 वाले जस्ट बाजू कार्बन पर डबल बॉन्ड है और वो इसके साथ में रेजोनेंस भी कर रहा है, सर पहला ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ तो आंसर आ जाएगा ए, ये वाला गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, लेकिन हाँ ये वाला ऑप्शन कब हो जाता, वो बोलता कि बताओ कितनी पॉसिबल एल्किन्स है, तो एल्किन सर यहां से भी बन सकती, मतलब बी भी बन सकती थी और ये ऊपर डबल बॉन्ड ये वाली एल्किन भी बन सकती थी, तो ए बी और डी तीनों एल्किन बनना पॉसिबल हो जाता, लेकिन उन्होंने मेजर प्रोडक्ट की बात की है तो मेजर प्रोडक्ट विल बी मोस्ट स्टेबल एल्किन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, अच्छा क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं, चलो समझो, अच्छा मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं वापस, सर ये कंपाउंड हमें दिया मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हमें देना है, ये मेजर प्रोडक्ट बताना इस रिएक्शन का, जल्दी से सोचो ये डायल्यूट H2SO4 पर क्या करेगा सर, डायल्यूट H2SO4 पर हमें H+ देगा, सबसे पहले तो H+ देगा, अभी H+ जाएगा कहां पर, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, चाहो तो नोट्स में लिख लेना,
अगर आपको OH भी दिया रहे कंपाउंड में, डबल बॉन्ड भी दिया रहे, तो वहां पर H प्लस को भेजना जहां से बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने। क्या बोल रहा हूं, ये H प्लस वहां पर जाएगा जहां से बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने। तो जल्दी से सर, अगर ये H प्लस जाएगा, अगर ये H प्लस इस ऑक्सीजन के पास गया तो ये यहां से H2 रिलीज हुआ और बनेगा पॉजिटिव, जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। क्लियर चीज? तो रेजोनेंस वाले ऑक्सीजन के पास में जाएगा। अगर मान लो ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इसके साथ रेजोनेंस में नहीं होता, अगर ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं होता, तो ये H प्लस जो है इस वाले डबल बॉन्ड के पास में जाता, क्योंकि वहां से बनने वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन तो आपको सिंपल ऐसा दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एल्कोहल में आजकल NTA पूछना शुरू कर चुका है। हमें समझना है कि H प्लस OH के पास जाएगा, वहां से रिलीज हो जाएगा वाटर और बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये रीअरेंजमेंट भी कर सकता है, और अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो इसके रीअरेंजमेंट होने से पहले ही, इसके रीअरेंजमेंट होने से पहले ही इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा। और मुझे बताओ, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है क्या? हाँ सर, दिया हुआ है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। चलो समझेंगे, ये H प्लस यहां से रिलीज हुआ, पॉजिटिव बना। अब हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड, तो समझो ये वाला डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड अगर अटैक कर रहा है तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी, जो कि बनना पॉसिबल नहीं है। 5 या 6 मेंबर की रिंग बनेगी तो बनना पॉसिबल हो पाएगा। ऑप्शंस में भी देखो, 5 या 6 मेंबर की रिंग दे रखी है, तो हम COD को तो अभी छोड़ दो, साइक्लाइजेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सर, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। अब ये जो नेगेटिव ना, दो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सर ये नेगेटिव अटैक कर देगा यहां पर, ये नेगेटिव यहां पर अटैक कर देगा इस पॉजिटिव के ऊपर। तो जल्दी से नंबरिंग करो सर, नंबरिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सर 6 मेंबर की रिंग बनेगी, तो मैं सबसे पहले 6 मेंबर की रिंग तो बना देता हूं। 6 मेंबर की रिंग मैंने बना दिया है। अब यहां पर समझो, जो बॉन्ड पहले बना उसे बना दो। ये हो गया हमारे पास 1, 6 है ना, 1, 6 है, तो मैं इसे बोल देता हूं ये 6 है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, और फिर 2 पे दिया हुआ है ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। अब हमारे पास 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो यहां पर मैंने लगा दिया, ये डबल बॉन्ड हमें दिया हुआ है, 6 के ऊपर अटैक किया तो यहां पर बॉन्ड बन गया। अब देखो समझो, 1, 1 के पास में जो है ना ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 पे मैंने यहां पर 1 कार्बन और उसके साथ में 2 CH3, ये 2 CH3 मैंने जोड़ दिया, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है अच्छे से? अच्छा, 4 के साथ में सर 1 CH3 भी जुड़ा हुआ था, ये CH3 भी मैंने जोड़ दिया एज इट इज। सिंपल है, जो बॉन्ड पहले अटैक करने के बाद बनाना उससे पहले बना दो। 1, 6 बना दिया, 6 के साथ 5, 4, 3, 2 बना दिया हमने, रिंग बना दिया। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, पॉजिटिव यहां पर आया हुआ था, वो पॉजिटिव मैंने यहां पर बना दिया। क्लियर चीज? वो कहां पर जुड़ा हुआ था सर? 1 के साथ में जुड़ा हुआ था, 4 के साथ में 1 मिथाइल भी जुड़ा हुआ था, ये रहा। अब क्या होगा सर, डाइल्यूट एस्टर से पर लिया हुआ है, H प्लस ने अपना काम कर दिया, अब तो पानी आएगा अटैक करने के लिए, तो यहां पर वाटर आएगा और वाटर जो है OH के रूप में यहां पर जुड़ जाएगा। तो मैं यहां पर जोड़ देता हूं OH, ये पॉजिटिव हटा के यहां पर क्या जोड़ देंगे अपन, OH जोड़ देंगे वाटर से, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। अब देख लो कहां पर दिया हुआ है सर, 6 मेंबर की रिंग तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 6 मेंबर की रिंग तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन क्या वही ऑप्शन है ये? देखो सर, मिथाइल के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, मिथाइल के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, और जस्ट उसके अपोजिट पोजीशन पे 3 डिग्री कार्बन पे OH, तो जस्ट उसके अपोजिट पोजीशन पे 3 डिग्री पे OH, मतलब यही स्ट्रक्चर है सर हमारा। आंसर लिख दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस में आपको वहां पर H प्लस का अटैक करवाना है जहां पर बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने। और हमें पता है सर, अगर OH डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली रेजोनेंस में जा रहा है तो उसका कार्बोकेटाइन जो है ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज होगा, तो वहां पर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं इसमें? बढ़ू में भी आगे? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वैसा एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है जो कि MH1 बुक से मैंने उठाया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, आपको समझ में आ जाएगा। चलो समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आप खुद से एक बार ट्राई करना, पहले मैं समझा देता हूं। होगा क्या सर, ये H2O जो है ना H प्लस देगा, ये देगा H प्लस, और ये H प्लस कहां पर जाएगा सर? वहां पर जाएगा जहां से बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने। ये H प्लस अगर इस OH के पास गया
तो H2O बना के उसे रिलीज कर देगा, और H2O बना के जैसे ही उसे रिलीज किया यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब वो स्टेबल है। तो ये जो है पॉजिटिव H+ उस OH को वहां से वाटर बना के हटा देगा और ये बन जाएगा H पॉजिटिव क्लेरिसिस, यहां पर बन जाएगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले ये वाले स्टेप अगर किसी ने कर दिया तो आधी जंग तो उसने जीत ली, क्लियर चीज। तो अगर OH के पास कब जाएगा सर, जब बनने वाला कार्बोकेटाइन भाई वाटर बन जाएगा, वाटर बन के रिलीज हो गया, बनने वाला कार्बोकेटाइन जब रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज रहे तो वहां पर जो है H+ जाके उसे वाटर बना के हटा देगा। ये बन गया हमारे पास कार्बोकेटाइन। अब होना क्या है सर, ये कार्बोकेटाइन जो है रीअरेंजमेंट करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझो। ये सर जो है डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो जाएगा इधर, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं उसे बना देता हूं एक बार दोबारा, या इसमें समझ लेते हैं सर, इसमें समझा दो आप, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझो। ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो गया, यहां पर आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ चुका है, अब यहां पर डबल बॉन्ड आ चुका है और यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बेटा बनाना ही पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बना देता हूं एक बार। ये हमारे पास बन गया पहली रिंग, जिसमें यहां पर डबल बॉन्ड आ चुका है, और समझो ये यहां पर 3 डिग्री और ये बन चुका है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर अच्छे से, है ना। अब क्या होगा, ये जो नीचे दूसरी रिंग दे रखी है इसका ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक कर सकता है। अटैक कैसे करेगा सर, ये अटैक करेगा अपने आप को, बॉन्ड को ब्रेक करेगा नेगेटिव पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, क्लियर अच्छे से। तो मैं इसे यहीं पर समझाता हूं, तो समझो ये नेगेटिव, ये जो डबल बॉन्ड है ये नेगेटिव और पॉजिटिव में ब्रेक हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक हुआ, नेगेटिव ने इसके ऊपर बॉन्ड बना लिया अटैक करके, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन चुका है, क्लियर चीज। अब क्या होगा, यहां बन चुका है पॉजिटिव, तो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल जो भाई साहब है ये बैठ के तो देखेंगे नहीं, अब ये आगे अटैक करेंगे, तो क्या होगा सर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव और पॉजिटिव में, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव बना हुआ इसके ऊपर कोई अटैक कर सकता है, हाँ सर एक डबल बॉन्ड और बचा हुआ है, ये डबल बॉन्ड अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक करेगा और ये यहां पर जाके अटैक कर देगा। सर देखो 1 2 3 4 5 सर 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। तो इस वाले स्ट्रक्चर को मैं बना देता हूं पूरे को, है ना, यहां से इसमें तो बनाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, मैं यहां विजिबल है सभी को, बच्चे बोल रहे हैं हाँ, तो यहां से अगर मैं इसे बना देता हूं दोबारा, तो सर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड यहां पर, सॉरी डबल बॉन्ड यहां पर आ चुका है रेजोनेंस करके, यहां पर एक मिथाइल, फिर उसके साथ में ये वाला ग्रुप पूरा जुड़ा हुआ है यहां पर, और 1 2 3 4 5 6 ये बन गया हमारे पास 6 मेंबर की रिंग, ये बना दिया, और इस वाले ने यहां पर अटैक किया तो सर यहां पर आ जाएगा एक मिथाइल, 1 2 3 और ये 5 मेंबर की रिंग बन चुकी है, समझो दोबारा से। सर इस नेगेटिव ने यहां पर अटैक किया तो बॉन्ड बना दिया इन दोनों के बीच में, यहां आ गया पॉजिटिव, तो यहां पर मैं बना देता हूं इसे पॉजिटिव, ये बना दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, दोबारा समझ लो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। सर डबल बॉन्ड रेजोनेंस करके पॉजिटिव यहां आया था, इस वाले डबल बॉन्ड ने नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक करके उसके ऊपर अटैक किया, पॉजिटिव यहां आया, उस डबल बॉन्ड ने इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके यहां बॉन्ड बनाया, तो एक बॉन्ड तो यहां बना, एक यहां बना, वो पॉजिटिव वहां गया, ये डबल बॉन्ड ने अपने आप को नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक किया और वहां पर अटैक कर दिया, तो 5 मेंबर की रिंग यहां भी बनेगी और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज फाइनली। अब ये पॉजिटिव सर क्या रीअरेंजमेंट करेगा, नहीं सर ये ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री है, अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा यहीं पर रहेगा, और हमने लिया हुआ H3O पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल अपना काम कर दिया, तो वाटर आएगा और वाटर यहां पर क्या जोड़ देगा सर, पॉजिटिव हटा के OH जोड़ देगा, वाटर आएगा इसे न्यूक्लियोफाइल यहां पर OH जोड़ देगा, क्लियर अच्छे से। अब बता दो आंसर कहां पर आएगा सर, आंसर लास्ट में 5 मेंबर की रिंग आनी चाहिए और डबल बॉन्ड जस्ट यहां पर आना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या सर, डबल बॉन्ड यहां पर है, ये भी सही है, ये वाले में लफड़ा है, ये वाले में लफड़ा है, देखो यहां पर हमने बात किया था, इसने अटैक किया यहां पर और इसमें, दोनों में डिफरेंस क्या है सर, एक यहां पर तो एक डबल बॉन्ड यही बना दिया, नहीं सर आंसर ए ही आएगा, आंसर आएगा ए, क्योंकि समझो ये डबल बॉन्ड यहां ब्रेक हुआ ना, तो यहां पर डबल बॉन्ड आना चाहिए था, ये सही है एकदम, इन्होंने डबल बॉन्ड यहां पर ही दिया हुआ है जो कि गलत है, हमारा आंसर आ जाएगा ए,
बढ़ू मैं भी आगे, सिंपल है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया समझाने में, लेकिन आपको सिंपल ये याद रखना है, अगर OH डबल बॉन्ड के बाजू में है तो H प्लस वहां अटैक करके वाटर रिलीज कर देगा, बनेगा पॉजिटिव, और उसके बाद इंटरनल न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, चलो देखते हैं, पहले जल्दी से वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है तो वीडियो ऑन करके वापस देखना शुरू कर दो। मेरे हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चन ये बच्चों से बन जाना चाहिए, उनको केवल इतना पता होना चाहिए कि K2CO3 करता क्या है, ये K2CO3 भाई साहब करते क्या है आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा सर ये K2CO3 जो है ना सर, अगर ये K2CO3 पानी में डाला जाए तो ये बना देगा H2CO3 विद QH, और हमारे पास QH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब ये जो सोल्ट बना है ना सर, ये सोल्ट हमारा बेस की तरह बिहेव कर सकता है। एक्वस सॉल्यूशन अगर लिया तो ये हमें देगा KOH, ये क्या देगा हमें KOH देगा, मतलब OH माइनस देगा, बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, तो बेसिक सॉल्यूशन में ये दोनों एसिड रिएक्ट करेंगे, ये भी H प्लस देगा वो भी H प्लस देगा। लेकिन ध्यान से एक चीज मैंने आपको बता रखी है, एसिड बेस रिएक्शन वहीं पर होना पॉसिबल है जहां पर बनने वाला वीक बने, जहां पर बनने वाला वीक बने। तो समझना सर, ये OH माइनस जो है ना KOH, सर ये KOH अगर इसके साथ में रिएक्शन करता तो क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अगर इस एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो भी क्या बना देगा, वाटर बना देगा। मुझे बताओ, वाटर, वाटर जो है फिनोल से तो वीकर एसिड है, लेकिन क्या एल्कोहल से वीकर है क्या? नहीं सर, केवल मिथेनॉल जो है वो वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बाकी सारे अल्कोहल जो है वाटर से वीक एसिड होते हैं। मतलब जब K2CO3 हमने लिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन जो कि QH दे रहा है, तो ये OH माइनस केवल और केवल इस H प्लस को ही लेके भागेगा, ये OH एज इट इज बैठ के देखेगा, भैया कोई तो आओ H प्लस लेके जाओ, कोई आएगा नहीं, कोई आएगा नहीं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा सर ये रिंग, और यहां पर O नेगेटिव, और यहां पर ये एक दो कार्बन, तो एक दो, और यहां पर OH एज इट इज बैठ के देखेगा, OH एज इट इज बैठ के देखेगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने लिया हुआ है CH3I और वन इक्विवेलेंट, क्या लिया हुआ है, वन इक्विवेलेंट। तो जल्दी से अब कौन अटैक करेगा, तुम सोचोगे सर रेजोनेंस में जा रहा है, भैया रेजोनेंस में जा रहा है ठीक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है और यहां पर ये तो केवल OH में प्रेजेंट है, तो कौन अटैक करेगा, सर ये अटैक करेगा O नेगेटिव, और O नेगेटिव जैसे ही अटैक करेगा, ये O नेगेटिव जैसे ही अटैक कर रहा है, ये आयोडीन यहां से रिलीज, और हमारे पास फाइनल आंसर क्या जाएगा, ये CH3 जुड़ जाएगा यहां पर। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है जल्दी से, सर पहला ही दिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा ए, पहला ही आंसर दिया हुआ है तो ए आंसर आ जाएगा। बच्चों ये वाला आंसर मत टिक कर देना, सी आंसर नहीं आएगा, ए ही आंसर आ जाएगा। चलो ये हो गया हमारे पास मेजर प्रोडक्ट, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी, ये जो हमारे पास रिएक्शन दे रखी है इसमें हमें बताना है मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट कौन सा है, एरोमेटिक बनना चाहिए प्रोडक्ट। चलो देखते हैं सर, सबसे पहले HBr एक्सेस में लिया हुआ है, HBr एक्सेस में क्या करेगा सर, H प्लस देगा सबसे पहले, तो यहां पर H प्लस देगा तो OH पॉजिटिव बनेगा, ये तो समझ में आता अच्छे से आपको। फिर क्या होगा सर, जब Br आएगा ना तो ये बॉन्ड यहां से तो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता सर, ये बॉन्ड हमेशा यहीं से ब्रेक होगा, और Br जो है यहां पर जुड़ जाएगा, ये Br यहां पर जोड़ देंगे। क्लियर चीज, मतलब ये बन जाएगा OH और इधर आ जाएगा Br। अब क्या होगा, HBr जब यहां पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, HBr तो डबल बॉन्ड के ऊपर भी अटैक करता है, हाँ सर करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है सर, H प्लस सबसे पहले आता है, H प्लस आएगा डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव में, और इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने, तो हम बोलेंगे सर बनेगा पॉजिटिव यहां पर और बनेगा नेगेटिव यहां पर, तो जहां नेगेटिव वहां तो मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, H प्लस जोड़ दिया नेगेटिव के वहां पर, तो और जो बनने वाला पॉजिटिव रेजोनेंस कर रहा है तो यहां पर जुड़ने वाला है Br नेगेटिव, आ रही बात समझ में, तो यहां पर जुड़ जाएगा Br, मतलब A हमारा जो बनेगा, A क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा A, यहां पर OH और ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा Br और यहां पर भी आ जाएगा Br और यहां पर हाइड्रोजन भाई साहब जुड़ चुके हैं। अब क्या हो रहा है सर, एल्कोहलिक QH लिया हुआ है, अगर एल्कोहलिक QH लिया हुआ है तो जल्दी से सोचो क्या होगा सर, ये भाई साहब जो है ना एल्कोहलिक QH,
ये केवल और केवल एलिमिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एलिमिनेशन करवाते हैं, डिहाइड्रोहैलोजनेशन करवाते हैं। तो क्या होगा समझना, ये बीआर हटेगा तो क्या यहां पर हाइड्रोजन है? नहीं सर, तो यहीं की हाइड्रोजन जाएगी। ये बीआर और यहां की हाइड्रोजन हटी तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। समझ में आता है? तो ये भाई साहब जब बीआर हटेंगे तो यहां की हाइड्रोजन हट जाएगी और यहां पर हम बोलेंगे यहां पर भी डबल बॉन्ड आएगा, वो दोनों रेजोनेंस में रहेंगे तो मोर स्टेबल एल्किन बनेगी। हमारे पास जो सी बनने मतलब आगे जो बी बनने वाला है, वो बी बनने वाला क्या है? यहां पर भी डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड। क्लियर चीज? अब क्या बोल रहे हैं, ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक विद वाटर। तो हमारा एक नारा आप लोग याद ही होगा ओजोनोलिसिस में, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। ये तो आप लोग याद हो जाना चाहिए और लाइफ टाइम याद रखना पड़ेगा। अगर कोई आपसे लाइफ में कभी केमिस्ट्री के बारे में पूछे कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसको ये वाला नारा जो है बता देना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। चलो समझते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं बात करूं तो सर ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, इसे भी ऑक्सीजन मिलेगी, इसे भी ऑक्सीजन मिलेगी। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसे भी ऑक्सीजन मिलेगी, इसे भी ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन हमें तो एरोमेटिक प्रोडक्ट की बात करनी है, मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सर ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये OH एज इट इज, और यहां पर ये कार्बन जिसके पास में डबल बॉन्ड था, तो यहां पर ऑक्सीजन। क्लियर चीज? यहां की ब्रोमीन हट चुकी है, तो यहां पर एक दो समझो, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन तो थी सरी ना पहले से, वो हाइड्रोजन तो रहेगी। बीआर हट चुका है, हाइड्रोजन हट के यहां पर डबल बॉन्ड आया था, वो ब्रेक करके मैंने एल्डिहाइड बना दिया। लिख दो जल्दी से, अगर मान लो ये जिंक नहीं दिया जाता, अगर जिंक नहीं दिया जाता तो हम क्या बोलते, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। अगर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे भी OH में कन्वर्ट कर दो। अगर यहां पर जिंक नहीं दिया जाता तो सर ये हाइड्रोजन भी OH में कन्वर्ट हो जाती, तो हमारा बेंजोइक, हमारे यहां पर बोलते हैं कि बेंजोइक एसिड बन जाता है, ये OH बन जाता है यहां पर। क्लियर चीज? लेकिन अभी एल्डिहाइड बना हुआ है, जल्दी से देखो कहां पर दिया हुआ है ऐसा। सर ए ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, तो लिख दो इसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी था, थोड़ा विजिबल हो जाए तो बड़ा कर देते हैं, हो जाएगा विजिबल। सबसे पहले क्या हुआ, HBr ने अटैक किया। सर HBr ने यहां पर अटैक किया तो H+ और OH, ये H+ ने बना तो बॉन्ड ब्रेक किया, मैंने यहां पर Br जोड़ दिया, ये बन गया, ये डबल बॉन्ड किया। वहां पर भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करवाया, पॉजिटिव नेगेटिव में डबल बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव पे तो जोड़ दिया Br और नेगेटिव पे जोड़ दिया हाइड्रोजन, ये बन गया। अब एल्कोहलिक की वजह से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है सर, और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करके वो एल्किन बनाता है जो कि मोर स्टेबल है, तो रेजोनेंस वाले एल्किन ज्यादा स्टेबल है, बना दिया। फिर तो हमने नारा लगा दिया ओजोनोलिसिस वाला और हमारा प्रोडक्ट बन गया। अगर जिंक नहीं दिया जाता, अगर जिंक नहीं दिया जाता तो फिर हम बोलते सर यहां पर ये वाला बी वाला आंसर आ जाता, ठीक है। अगर जिंक की जगह मैं बात करूं तो सर डाइमिथाइल सल्फाइड भी दिया जा सकता है। क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन यहां पर बनती है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यहां पर जिंक यूज करते हैं, और या फिर जिंक की जगह पर हम डीएमएस भी यूज कर सकते हैं। क्लियर चीज? और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी यूज कर सकते हो, PPH3 भी आप यूज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है HI के बारे में, और थोड़ा सा जो यहां पर JEE मेंस वालों ने NTA वालों ने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है बच्चे को, समझना कैसे। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो सर H+ यहां पर जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। अब जो है बॉन्ड यहां से तो ब्रेक नहीं हो सकता सर, बॉन्ड हमेशा यहीं से ब्रेक होगा, तो ये तो OH बनेगा, ये तो OH बना देगा। अब बात करते हैं यहां पर क्या होगा सर, जब यहां पर H+ अटैक कर देगा, बना देगा OH पॉजिटिव, अब आने वाला I नेगेटिव, अब I नेगेटिव सर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहां पर जुड़ेगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहां जुड़ेगा, दो पॉसिबिलिटीज है। कैसे देखेंगे तो आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा बच्चों कि SN1 मैकेनिज्म हो रही है कि SN2 हो रही है। सर अगर 2 डिग्री है तो सर SN1 की तो हम जनरली बात नहीं करेंगे, SN2 की बोलेंगे, है ना। कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल नहीं है, 3 डिग्री होता, अलाइलिक बेंजालिक कार्बोकेटायन होता तो हम जो है SN1 की बात करते। सर ये है ना बेंजालिक कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है भैया बेंजालिक कार्बोकेटायन बन रहा है, लेकिन ये भाई साहब जो क्या है साइनाइड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, सर ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई देगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यहां पर डिक्रीज कर देगा। मतलब ये मैकेनिज्म जो रिएक्शन आगे होने वाली है, ये जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है,
ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से तो नहीं देखेंगे, मतलब SN1 मैकेनिज्म नहीं होगी। तो आई नेगेटिव जब आएगा, तो क्या कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म से अटैक करेगा, और SN2 मैकेनिज्म से अटैक कर रहा, तो समझो ये वाली जो पोजीशन है, जो बेंजालिक पोजीशन होती है, क्योंकि यहां पर बनने वाले जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आता है, बनने वाली जो SN2 मैकेनिज्म होती है उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर आता है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो ये जो साइनाइड वाला बंदा है यहां पर, उसका इसकी वजह से यहां इस वाले कारण पे SN2 की रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है, तो आयोडीन जो है आई नेगेटिव इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे ये इधर अटैक कर तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, और लिख देना धड़ल्ले से मस्त तरीके से SN2 मैकेनिज्म होगी। सर यहां पर कार्बोकेटाइन तो कम स्टेबल है, तो आई नेगेटिव अटैक करेगा इस तरीके से SN2 मैकेनिज्म से। क्लियर चीज, SN2 मैकेनिज्म से यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होके OH आ जाएगा, आई नेगेटिव यहां पर अटैक कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट, सर यहां ऊपर OH, यहां पर साइनाइड और साइनाइड के साथ में आयोडीन, कहां पर दिया हुआ ऐसा OH दिया हुआ गलत है, आयोडीन तो हटाई दो उसे, तो आ जाएगा हमारा आंसर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत है ना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि SN1 मैकेनिज्म से देखना है कि SN2 से, और ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही शानदार था। बच्चे जरूर यहां पर SN1 मैकेनिज्म सोचते हैं, लेकिन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी बेटा। साइनाइड का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत डिक्रीज कर देता है, बनना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए SN2 मैकेनिज्म देना वो पसंद करेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस बिलो, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करना, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सर सक्सेनिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है विद LCl3, तो सर LCl3 का यूज क्यों किया जाता है बताओ जल्दी से। सर LCl3 का यूज इसलिए किया जाता है कि वो भाई साहब कार्बोकेटाइन बना देंगे, लुइस एसिड है, कार्बोकेटाइन बनाएंगे एनहाइड्राइड से, और वो कार्बोकेटाइन जो है रिंग के ऊपर अटैक करेगा। क्या रिंग में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो पाएगा क्या? नहीं सर, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है इसके पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा, पहली बात तो ठीक। दूसरी बात, जब पैरा पोजीशन पर अटैक हो जाएगा उसके बाद हमारे पास दिया हुआ क्लेमेंसन रिडक्शन, और क्लेमेंसन रिडक्शन आप अच्छे से जानते हो, जिंक अमलग्रम विद कंसंट्रेटेड HCl, है ना, जिंक अमलग्रम विद HCl आप जानते हो। तो वो HCl क्या करता है, जिंक अमलग्रम क्या करता है सर, कीटोन को सीधा कंप्लीट वाट लगा के एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, बहुत अच्छे से पता है। सर क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं ना सी डबल बॉन्ड वाले, उनकी कंप्लीट वाट लगा देता है, सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो जहां जहां भी एल्कोहल तुम्हें दिख रहा है वो तो हटा दो, एल्कोहल वाले ऑप्शंस तो वैसे ही हटा दो, इन दोनों में से एक ऑप्शन आंसर आएगा सी और डी में से, जल्दी से देखना वो आपके ऊपर है, है ना। तो जल्दी से इसे एक बार खुद से ट्राई करो, मैंने मैक्सिमम ओवरव्यू 80% तक तो क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया, दो ऑप्शन भी मैंने हटवा दिए, अब सी और डी में से आप देखना क्या आपका आंसर आता है। आई होप अभी तक का जो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, थोड़ा सा आप जो है फिनोल वाली रिएक्शंस आप रिवाइज करके रखना, जब अपन नेक्स्ट लेक्चर कल मिलने वाले हैं फिनोल की रिएक्शंस के, फिनोल के अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तो आपका रिवीजन भी होगा, और थोड़ा आपसे अगर क्वेश्चन देख के बन जा रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो थोड़ा सा रिवाइज करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिनोल के साथ, जय भारत।